मैडम जी, महाराष्ट्र पुलिस एसीपी सिंधे। वादा रहा, जरूर आऊ, जल्दी आऊ। दुनिया के लिए, पर तुम्हारे साथ तुमने 7 जन्म निभाने का वादा किया हुआ है। ये कैसे हो सकता है? मैंने उन लड़कों को खाई में गिराकर मार दिया। सही वक्त में मैंने गाड़ी से छलांग लगा के अपने आप को बचा लिया। और जानते हो, इस हादसे में एक गांव वाले की भी मौत हो गई। वो बेचारा गाड़ी के नीचे आ गया। पुलिस को 3 लाशें मिली, 2 लड़कों की और 3री उन्होंने मेरी समझ। पुलिस ने तो आपकी तस्वीर दिखाई थी। पुलिस ने दिखाई थी और तुमने देखी तो नहीं? वो तो अच्छे से पैक करके लाए थे, पर वो मेरी नहीं थी, वो उस बेचारे गांव वाले की थी। आपने पुलिस को बताया क्यों नहीं कि आप जिंदा हो? 3-3 जान लेने के जुर्म में मुझे उम्र भर के लिए वो अंदर कर देते या फांसी के फंदे पे चढ़ा देते। जानती हो, पर वो गुनाहगार थे। गुनाहगार को सजा देना कानून का काम है, मेरा काम नहीं है। और वो बेचारा गांव वाला, उसका क्या कसूर था बेचारे का? विश्वास करो, मैं तुम्हारे साथ हूं।
पर आपने उनको मारा क्यों? रेप करने के बाद उन लड़कों ने मेरी गाड़ी को हाईजैक किया। गाड़ी में बैठते ही उन्होंने मस्ती मजाक शुरू कर दिया। मुझे लगता है वो नशे में थे और उन्हें कोई पछतावा नहीं था। बातों बातों में उन्होंने बताया जिस लड़की को उन्होंने रेप किया था उसने अपने पेट में कांच मार के आत्महत्या कर दी। पर ये तो हत्या हुई ना, आत्महत्या नहीं। आप उनको पुलिस के पास क्यों नहीं ले गए? नाबालिग है, 15 साल से कम उम्र है। पुलिस उनको सुधार केंद्र भेजती और 3 साल के बाद वो बाहर आ जाते और गब्बर सिंह की तरह हमारे सीने पे बंदूक रखते आगे। जानती हो, आपने ठीक किया। अगर आपको कुछ हो जाता तो? मुझे क्या होता, आफ्टर ऑल आई एम योर सुपर हीरो। मगर पुलिस ने जब आपकी तस्वीर दिखाई तो मैं तो धड़कन ही बंद हो गई। वो तो होना ही था, मैं सब देख रहा था, मैं तुम्हारे साथ ही था घर में। मुझे ये देख के बड़ा अच्छा लग रहा था कि तुम मुझे ढूंढ रही हो। मुझे अंदर अंदर बड़ी खुशी हो रही थी कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। जानती हो, मैं एक बात बताओ, अगर मैं सच में मर जाता तो तुम क्या करती? जान दे देती, दुनिया से चली जाती। जान दे देती, दुनिया से चली जाती, जैसे मैं जाने देता। 40 साल हो गए हमारी शादी को, कहीं जाने दिया आज तक? हम साथ साथ हैं। हम साथ साथ हैं मरते दम तक। मरते दम तक? सिर्फ मरने के बाद भी? इतना सस्ता क्यों? वो एक्चुअली उनका बेटा बाहर रहता है ना, यहाँ कोई भी नहीं है। अच्छा, तो आपको पता है वो डॉक्टर और वो दो लड़के? एक्चुअली उनकी वाइफ भी थी ना, तो उनकी तो उसी दिन डेथ हो गई थी। वो सदमा तो बर्दाश्त नहीं कर सकी। लेकिन घर बहुत अच्छा है, जबरदस्त है, लोकेशन भी अच्छी है। भाई साहब, मैं आपको बोल रहा हूँ, ये घर हमने बेचना नहीं, आप चले जाइए यहाँ से, ये हमारा घर है। ये हमारा घर है। रसोई भी कितनी अच्छी है, रोज खाना पकाओगे आती है। हम 40 साल से इस घर में रहते हैं, हमने घर नहीं बेचना। ये आप बोलते क्यों नहीं इनको, बोलिए ना। अरे भाई साहब, अरे भाई साहब,
मैंने सुना है कि उनकी आत्माएं अभी भी इस घर में वही है जो यहाँ पे लाइट्स ऑन एंड ऑफ करती है। छोड़ो यार, कभी जिंदगी में भूत देखा है? मैंने तो नहीं देखा। I like the house. I just want to have it. You got yourself a deal. Yes. हम 40 साल से यहाँ पे रह रहे हैं, हमने घर बेचना नहीं है। आप चले जाइए, आप चले जाइए। हम अपना घर नहीं छोड़ेंगे, यह हमारा घर है।